हेलो दोस्तों, तो हम लोग इश्यूज़ रिलेटेड विद सिक्योरिटी को कर रहे थे और हम लोगों ने 10.5 दैट इज़ SPG तक कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग 10.6 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सिक्योरिटी इश्यूज़ इन नॉर्थ ईस्ट। और आप देख सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और वेट करना है। आज कोशिश मैं करूँगा कि मिसलेनियस भी मैं आपको करवा दूँ। मिसलेनियस जो है वो एक ही वीडियो में निपट जाएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मतलब खेल है वो बेसिकली इतना वाला एरिया का ही है, सिक्योरिटीज़ वाला एरिया का है, क्योंकि मिसलेनियस में आप मैक्सिमम चीज़ें देखोगे तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10.6 दैट इज़ सिक्योरिटी इश्यूज़ इन नॉर्थ ईस्ट से हमने स्टार्ट करना है और इसमें टोटल 4 सब टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके देखते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है। इवन अभी आपको मैं टॉपिक्स करवाऊंगा तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा कि 2-3 दिन पहले ही यह न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसलिए आपको यह जो एरिया है, इस एरिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। चाहे आपको यहाँ पर इसका ज्योग्राफी देखना हो, या इसका आपको नेशनल पार्क देखना हो, या फिर इवन यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी इशू से हो, चाहे वो बॉर्डर इश्यू से हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो यहाँ देखने वाले हैं वो है बोडो पीस अकॉर्ड। ठीक है, अब बोडो पीस अकॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ में क्यों था। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आखिर बोडो पीस अकॉर्ड है क्या। तो बोडो पीस अकॉर्ड बेसिकली एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जो कि सेंटर, असम गवर्नमेंट और एक असम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ठीक है, तो ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 3 टोटल पार्टीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं बोडो पीस अकॉर्ड में, और तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो आप याद ही रख सकते हो, सेंटर स्टेट, और स्टेट कहाँ है तो असम वाला, और इसके अलावा यहाँ पे एक असम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ठीक है, इसको NDFB भी बोला जाता है। अब यह जो बोडो पीस अकॉर्ड है, यह साइन किया गया था 27 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो ये इसी साल साइन किया गया है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको साइन करने क्या रीजन है, तो इसको साइन करने का यहां पे एक ही रीजन बताया गया है कि यहां पे जो बोडो डोमिनेटेड एरियाज है असम के अंतर्गत, वहां पे लास्टिंग पीस को लाना। ठीक है, वहां पे शांति बनाना। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यहां पे यह जो पर्टिकुलर बोडो पीस अकॉर्ड है इसको साइन किया गया, और इसीलिए यह न्यूज में भी बना हुआ था। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो असम वाला एरिया, पहली चीज़ तो वहाँ पे फ्लड्स आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने आपको पढ़ाया था आफ्सपा के बारे में, तो वहाँ पे बताया था मैंने कि असम में भी यहाँ पे 6 महीने के लिए आफ्सपा जो है वो लागू हो चुका है। ठीक है, तो इस रीज़न से आपको असम वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, और बोडो पीस अकॉर्ड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर अगर देखा जाए तो इस पर क्वेश्चन पहले भी बनते आए हैं बहुत। अब यहाँ पे बात आती है बोडोज़ के बारे में। तो बोडोज़ आखिर हैं कौन, तो बोडोज़ एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि असम में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है, तो असम में। और यह बताया जाता है कि स्टेट का पॉपुलेशन, दैट इज़ असम का पॉपुलेशन क्या है, यह 5-6% यहाँ पे यह पार्ट बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बोडोज़ कहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी हैं, तो असम के हैं। अब इन्हीं के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक यहाँ पे ग्रुप्स हैं जो कि जिनके द्वारा बनाया गया है NDFB। ठीक है, और NDFB क्या है, तो हम लोग जानते हैं यह है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। और यह क्या है, तो यह एक एथनिक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था, और इनका डिमांड यहाँ पे बेसिकली ये है कि यह असम में इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द बोडो एथनिक ग्रुप चाहते हैं। ठीक है, और यह जो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं इसको यह बोडोलैंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही इनका डिमांड है। इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे यह एक मतलब वॉलेंटरी के तरीके से कोशिश करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। अब यह जो मैंने वॉलेंट वाला यहाँ पे पार्ट बताया है, ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम ये वॉलेंसी फॉलो करते हैं, पर यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखिएगा तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पे वॉलेंस भी बहुत ज़्यादा होता आया है। अब यह जो बोडो पीस अकॉर्ड है, जो कि एक एग्रीमेंट है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, मैंने आपको बताया, तो इसके हाइलाइट्स को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आखिर यह एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि जो भी विलेजेस होंगे जो कि बोडोज़ के द्वारा यहाँ पे डोमिनेटेड होंगे और यहाँ पे प्रेजेंटली आउटसाइड लाई कर रहे हैं BTAD के, उनको यहाँ पर बोडोलैंड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई है। तो अब ये आखिर BTAD क्या है, तो BTAD बेसिकली बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है। इसी के अंतर्गत यहाँ पे जो भी विलेजेस होंगे जो इसके आउटसाइड लाई कर रहे होंगे पर डोमिनेटेड होंगे बोडोज़ के द्वारा, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, उसको यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कही गई है। और यहाँ पे जो विलेजेस जहाँ पे नॉन बोडो पॉपुलेशन रहेगा उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक एरियाज़ को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि बोडो प्रधान होंगे, और जो नॉन बोडो प्रधान होंगे उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी बोडोज रह रहे हैं हिल्स में उनको यहां पे एक नया स्टेटस दिया जाएगा, और यह स्टेटस है शेड्यूल्ड हिल ट्राइब स्टेटस। ठीक है, तो यहां पे कैटेगराइजेशन हो रहा है इनका, और इनको ऑब्वियसली यहां पे शेड्यूल्ड हिल ट्राइब स्टेटस डाला जाएगा, तो इसका भी कुछ एक फायदा मिलता है। ठीक है, अगर आपको पता है वो फायदे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हर एक चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहां पे डाउट आ रहा है कि क्या होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बारी सर्च करके बताइए।
तो अभी मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और यहाँ पे शेड्यूल हिल ट्राइब स्टेटस वही शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के सिमिलर होता है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं शेड्यूल ट्राइब होने के कारण जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बोडोज़ को भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये स्टेटस इसलिए इनको कन्फर किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बोडो है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो इसको बारे में बोला जा रहा है कि यह पूरे इंटायर आसाम में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, एसोसिएट करने की बात कही जा रही है। तो ये भी यहाँ पे एग्रीमेंट में एक डिमांड था जिसको यहाँ पे इन्होंने पूरा किया है। दूसरी चीज यहाँ पे बीटीएडी के बारे में देखिएगा, तो बीटीएडी का नाम यहाँ पे चेंज होके पहले क्या नाम था, तो भैया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन हुआ करता था, इसका नाम चेंज करके यह बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में डी का मतलब क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट था और इसका पूरा फुल फॉर्म है बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसी का नाम चेंज करके इन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन करने की बात बोली है, और यहाँ पे भी वही था, ठीक है, नाम चेंज हो गया है तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रेफर कर दिया था बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि नाम चेंज करने की बात कही गई है, और साथ के साथ यहाँ पे कुछ एक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स में भी इंप्रूवमेंट या फिर एनहांसमेंट की बात कही गई है, ठीक है। अब ज़्यादा होगा इनके पास पावर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आर्म्ड कैडर्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलाते थे, तो इस एग्रीमेंट में बोला गया है कि जो भी आर्म कैडर्स होंगे अराउंड 1500 आर्म कैडर्स होंगे वह वायलेंस को छोड़ देंगे, ठीक है, त्याग देंगे। अब्जोर का मतलब त्यागना होता है, तो यहाँ पे अब्जोर कर देंगे, छोड़ देंगे, और साथ के साथ वही जो वहाँ के मेन स्ट्रीम है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये डेवलपमेंट भी हो गया, ऑब्वियसली वायलेंस भी बच जाएगा इससे, और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि बहुत सारा वायलेंट यहाँ पे इंसर्जेंसी भी हुआ था बोडोलैंड को लेकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अब इस एरिया में चूंकि डेवलपमेंट भी चाहिए होगा, तो डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज ऑफ 1500 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने 3 साल में प्रोवाइड करने की भी बात कही गई है इस एग्रीमेंट के अंदर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मान ली गई हैं, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एग्रीमेंट है, अब देखना है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। अब इस वाले मैप पे ज़रूर फोकस करिएगा अच्छे से, क्योंकि आप यहाँ पे जो डार्क रेड कलर का देख रहे हैं या फिर ये डार्क मरून है, ठीक है, तो ये मरून कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं यही एरिया बेसिकली आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, जिसको बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अब बोला जाएगा, ठीक है, BTR हो गया है या BTAD से, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें आप देख सकते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहा है जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं ये आसाम का ही पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रह्मपुत्रा रिवर आपको देख रही होगी, इसी के कारण अभी बहुत ज़्यादा इस एरिया में फ्लड आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पीस एग्रीमेंट 2003 में साइन किया गया था, और इसी के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का यहाँ पे सेटअप किया गया था। अब यह जो काउंसिल है इसमें टोटल 46 मेंबर्स हैं, जिसमें 40 इलेक्टेड हैं और 6 नॉमिनेटेड हैं, जिनको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 40 यहाँ पे इलेक्टेड हैं और 6 नॉमिनेटेड हैं थ्रू गवर्नर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे आसाम के गवर्नर का नाम बता दीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ चीफ मिनिस्टर का भी नाम बताइए, क्योंकि फ्लड प्रोन एरिया है और वहाँ पे इन दो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे BTC काउंसिल के बारे में, सॉरी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में देखिएगा, तो इनके पास कई सारे लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं, और स्पेशली यहाँ पे 40 पॉलिसी एरियाज़ में देखेंगे तो इनका जो मतलब कार्य क्षेत्र है वो बना हुआ है। अब ये जो 40 पॉलिसी एरियाज़ हैं यही बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जिसको हम लोग अब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बोलेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह जो बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है या फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, इसमें टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं इसको, तो बेटर रहेगा। तो कोकराझार, चिरांग, चिरांग के बाद बक्सा, और बक्सा के बाद आपको यहाँ पे उदलगुरी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स ही मिलकर यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल यहाँ पे टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं या फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 4 डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम हो सके तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, और स्पेशली इसको याद करने का तरीका आप ये ऐसे करिएगा, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट याद करिएगा, वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपसे अगर अरेंजमेंट के बारे में पूछ लेगा UPSC तो फिर आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो कोकराझार यहाँ पे सबसे वेस्ट में है, फिर चिरांग, फिर उसके बाद बक्सा, फिर उदलगुरी, ठीक है, तो ये आसाम में आ रहा है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होने वाला है। तो काउंसिल के फंक्शंस तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए थे, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल पावर्स, तो इसी में आ जाएंगे आपके सारे फंक्शंस। अब यह पर्टिकुलरली किसके अंडर फंक्शन करता है, कौन से प्रोविजन के अंडर फंक्शन करता है, तो आप देख सकते हैं चूंकि आसाम यहाँ पे मेंशनड है, तो ये 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पे 5th और 6th शेड्यूल पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा। डिटेल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसमें समझ जाना है अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अलग से वीडियो लाऊंगा भी इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली डील करता है यहाँ पे कि किस तरीके के प्रोविजंस बनाए जाएं जिससे जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स है उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल जो है वो मैनेज किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे ही आप देख सकते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत ही यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने की भी बात की जाती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर रहता है कि वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल जो है वो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे फिफ्थ के बारे में पढ़ना नहीं था, पर हमें सिक्स के बारे में इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पढ़ना था। तो सिक्स शेड्यूल में आप देख सकते हैं इसमें वो सारे प्रोविजंस आ जाते हैं जो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है ट्राइबल एरियाज़ का। और कौन से ट्राइबल एरियाज़ का, तो ये चार स्टेट के ट्राइबल एरियाज़ का बात किया जा रहा है, और ये चारों स्टेट जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका तो वही है, AMTM आप इसको याद कर सकते हो, पर अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से याद करेंगे ना तो आप इसको नेबरिंग मतलब नेबरिंग स्टेट्स के तौर पर याद रखिए तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो असम और मेघालय हम लोग जानते हैं कि नेबर स्टेट्स हैं, ठीक है, आपको मैं मैप पे भी दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल में असम और मेघालय आ गए, तो यहाँ पे पहले दो स्टेट्स नेबरिंग स्टेट्स हो गए और दूसरा यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम है, ये दोनों भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि कौन से स्टेट्स हैं जो अलाई करते हैं सिक्स शेड्यूल उसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसके लिए प्रोविजंस बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रोविजंस बनेगा ये आर्टिकल 244 के अंतर्गत बनने वाला है, तो इस आर्टिकल का नंबर आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अब आपको मैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ये तो सिक्स शेड्यूल वाला है ये परमानेंटली जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। तो ये रहा इंडिया का मैप, और यहाँ पे मैंने इसलिए जूम करके दिखाया ताकि नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो पार्ट है वो आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। अब AMTM अगर आप याद करोगे तो इसमें हो सकता है कि गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं मिजोरम की जगह मणिपुर लगा देते हैं। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका यह है, मैंने आपको जैसा बताया कि नेबरिंग स्टेट्स हैं ये याद रखिएगा, ठीक है। तो AM मतलब असम और मेघालय, ये देख रहे हैं नेबरिंग स्टेट्स हो गए, और TM दैट इज़ त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये भी नेबरिंग स्टेट हो गए। त्रिपुरा और मणिपुर के बीच में नेबरिंग नहीं है, ये देख रहे हैं बीच में नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं करता, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो असम के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा सिक्स शेड्यूल में जो चार स्टेट्स आते हैं वो कौन से हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने बोडो पीस अकॉर्ड को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वह है नागा पीस टॉक्स, ठीक है। अब नागा पीस टॉक्स जो है ये अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में आया था, अगस्त में ही आया था ये, 15 अगस्त को ये अच्छा खासा एक्सप्लेन का आर्टिकल आया था, और संडे को जो आता है मैंने आपको बताया हुआ कि FAQs आता है हिंदू में, तो वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगा, पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। उस दिन मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे FAQs के ऊपर में, ठीक है, तो मैंने इसलिए बंद भी कर दिया था उसको। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अब ये न्यूज़ में क्यों था नागा पीस टॉक्स, तो बेसिकली अगर देखिएगा तो 2019 के अक्टूबर 31 को डेडलाइन था कि ये जो नागा पीस टॉक्स है इसका सुलझ जाना, ठीक है, ये कंक्लूड करने की बात कही जा रही थी। और यहाँ पे जो नागा पीस टॉक्स है इसके पहले जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस नोट पे ख़त्म हो रहे थे, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे डेडलाइन सेट किया गया था कि यहाँ पे सारे पीस टॉक्स को जो है वो ख़त्म कर लिया जाए। तो अब चूंकि अक्टूबर 31, 2019 तो बीत गया, तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद बेसिकली इसको लेटर या इस डेट को, इस डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया गया, और यह अब सितंबर वाला जो अभी आने वाला है सितंबर, इसमें यहाँ पे डेडलाइन को सेट किया गया है। और यहाँ पे वही है कि अब देखना होगा कि यहाँ पे जो भी नागा पीस टॉक्स हैं वो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो अब बात आती है कि नागा पीस टॉक्स आखिर है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, और विजन के डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बिल्कुल आराम से सुनिएगा, नागा कॉन्फ्लिक्ट आपका पूरा 110% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने टाइमलाइन के थ्रू बताया है और मैं धीरे धीरे आपको टाइमलाइन के थ्रू ही बताऊंगा, ठीक है। अब 1946 में क्या हुआ, तो 1946 में नागा नेशनल काउंसिल दैट इज़ NNC का फॉर्मेशन हुआ, और यह किसके लीडरशिप में बना, तो यह आगामी ज़ोपू फुज़ू के अंतर्गत बना है, ठीक है, आगामी ज़ोपू फिजो इनके अंतर्गत ये बना नागा नेशनल काउंसिल, ठीक है, इसको NNC भी बोलते हैं। और इन्होंने इसी टाइम पर 1946 में आप जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो इसी टाइम पे आप देख सकते हैं इसका ये जो NNC का फॉर्मेशन हुआ, इन्होंने बाद में चलकर नागालैंड को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। और यह कब किया, तो हमारे इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले अगस्त 14, 1947 को, ठीक है, इसीलिए 15 अगस्त को जो यहाँ पे आया था न्यूज़पेपर में वो इसीलिए आया था, ठीक है, ये इसीलिए न्यूज़ को उठाया गया था। अब 1946 से सीधे आगे बढ़ते हैं 1975 में क्या हुआ, एक सेक्शन थे NNC के लीडर्स का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिलोंग अकॉर्ड को साइन किया। अब शिलोंग अकॉर्ड बेसिकली गवर्नमेंट के बीच में, आप देख सकते हैं NNC के बीच में, मतलब NNC के एक सेक्शन के बीच में और नागा फेडरल गवर्नमेंट के बीच में यह साइन किया गया। और यह इसलिए साइन किया गया ताकि यहाँ पे जो यहाँ पे NNC और नागा फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे हैं तो यह आर्म्स को गिव अप कर दें और वायलेंस को ख़त्म करें, ठीक है। तो शिलोंग अकॉर्ड का मेन फोकस यही था 1975 का।
पर यहाँ पे आप एनएनसी चूंकि आप जानते हैं कि एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में क्या हुआ, एक सेक्शन ने तो यहाँ पे साइन करने से अलाउ कर दिया, दूसरे सेक्शन ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया शिलोंग अकॉर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया तो इसलिए उन्होंने एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन किया, और उस ग्रुप का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं क्या नाम है, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको एनएससीएन बोला जाता है। अब एनएससीएन का नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, क्योंकि आगे जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है वो एनएससीएन के बारे में होने वाला है, उनके द्वारा ही, ठीक है। अब 1980 में इनका फॉर्मेशन हुआ, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये कौन सा ग्रुप है, तो यह एनएससीएन, यह बेसिकली ग्रुप है एनएनसी का, वह ग्रुप है जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था शिलोंग अकॉर्ड को, ठीक है, साइन करने से। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए 1980s तक। अब 1998 में क्या हुआ, अब 1998 में यहाँ पे एनएससीएन जो है यह दो पार्ट में बट गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया, एक हो गया एनएससीएन आईएम और दूसरा है एनएससीएन के। तो एनएससीएन आईएम का मतलब क्या हुआ, तो एनएससीएन आईएम का मतलब है इसाक मुआवे, ठीक है, और दूसरा एनएससीएन के का मतलब है एनएससीएन कापलांग, ठीक है। तो एक हो गया इसाक मुआवे और दूसरा हो गया कापलांग, तो अब मैं ऐसे ही रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया 1988 तक का काम। अब 2015 में क्या हुआ, तो 2015 में ये जो एनएससीएन इसाक मुआवे है, इन्होंने या नागा सोवरेंटी का जो एक तरीके से इनका चल रहा था आइडिया, इसको इन्होंने गिव अप कर दिया, इन्होंने बोला कि अब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, और यहां पे वह सेटलमेंट के लिए मान गए कि हाँ चलो अब हम लोग इंडियन फेडरेशन का पार्ट बन जाएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि अब इंडियन फेडरेशन के अंतर्गत ही आ जाएं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एनएससीएन जो आईएम है इन्होंने अग्री कर लिया सेटलमेंट के लिए, ठीक है, ये मान गए। अब आते हैं कि एनएससीएन का आईएम का जो डिमांड है वो क्या था, तो डिमांड इनका ग्रेटर नागालिंगम का था, ठीक है, ग्रेटर नागालिंगम बनाना है इनको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से एरियाज चाहते थे ग्रेटर नागालिंग में, तो यहाँ पे वो सारे कॉन्टिग्यूस नागा इनहेबिटेड एरियाज चाहते थे और एक जगह इकट्ठा चाहते थे जो कि यहाँ पे नागालैंड के अलोंग पाया जाता है। तो अभी मैप में आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये ग्रेटर नागालिंगम कौन सा यह एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में यहाँ पे ये चाहते थे कि इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आसाम के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, और साथ के साथ हमारी जो पास की कंट्री है, हमारी नेबरिंग कंट्री म्यांमार, ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा ट्रैक जो है वो चाहते थे कि ग्रेटर नागालैंड में आ जाए। तो ये हो गया इसाक मुआवे का डिमांड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एनएससीएन कापलांग का तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उन्होंने शिलोंग अकॉर्ड को भी डिनाई कर दिया था, और उसके बाद यहां पे 2015 का जो अकॉर्ड यहां पे मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो इसको भी यहां पे इन्होंने अपोज किया और हमेशा से अपोज करते हैं, बातचीत करना ही नहीं चाहते, और ये कंटिन्यू करते हैं वायलेंट मेथड्स को, ठीक है। तो जितने भी वहां पे एजेंसीज वगैरह और वायलेंस वगैरह होता है वो बेसिकली इसी ग्रुप के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे एनएससीएन का क्या डिमांड था, एनएससीएन आईएम दैट इज इसाक मुआवे का, तो वो ग्रेटर नागालैंड चाहते थे और वो बात करने के लिए भी तैयार थे, पर यहाँ पे जो कापलांग है, कापलांग जो है वो बात करना नहीं चाहते थे और उन्होंने वायलेंट मेथड्स को यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे आखिर चलो ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया डिमांड वगैरह, और यहाँ पे 2015 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, पर वो सीक्रेट एग्रीमेंट था, उसको पूरी तरीके से खोला नहीं गया, अभी हाल फिलहाल में ही उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बाहर आई हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे बेसिकली एक डेडलॉक यहाँ पे गवर्नमेंट और इसाक मुआवे के बीच में बन रहा है, कापलांग तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो गया हुआ है। तो वो डेडलॉक किस लिए है, तो डेडलॉक है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर का पहले यहाँ पे एक खुद का स्टेट फ्लैग हुआ करता था और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, तो यहाँ पे इसाक मुआवे भी यही मांग रहे हैं कि उनको सेपरेट नेशनल फ्लैग चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से ही यहां पे जो फाइनल एग्रीमेंट है यह पूरी तरीके से मतलब खत्म नहीं हो पा रहा है, यह प्रॉब्लम जो है ये परसिस्ट कर ही रही है, ठीक है। तो यहां पे मेरे ख्याल से आपको पूरा नागा का जो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब ग्रेटर नागालैंड वाला एरिया देखने के पहले एक बार आप नागालैंड का एरिया देख लो कि आखिर वो कितना पार्ट हमारे इंडिया में इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये वाला जो छोटा सा आप ग्रीन सा पार्ट देख रहे हो यही है नागालैंड, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है तो कोहिमा आपको दिख रही होगी। तो ये हो गया आपका छोटा सा नागालैंड। अब यहाँ पे ग्रेटर नागालैंड में क्या क्या एरियाज इंक्लूड करना चाह रहे हैं आप इस मैप को ध्यान में अभी रखो, और इसके बाद मैं आपको ग्रेटर नागालैंड वाला एरिया दिखाता हूँ। तो अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन सा एरिया है, ये ब्राउन सा एरिया ही ग्रेटर नागालैंड को दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो है असम का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, मणिपुर का एरिया, ये सारे एरियाज चाह रहे हैं, और इसके अलावा म्यांमार का बहुत सारा एरिया चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सोचो कि असम गवर्नमेंट देगी नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश अग्री नहीं करेगी, मणिपुर गवर्नमेंट क्यों ही देगी अपना एरिया, और म्यांमार तो बिल्कुल नहीं देने वाली क्योंकि वो तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्री है। तो यहाँ पे समझने की चीज़ है कि आप समझ सकते हैं ये सिचुएशन जो है कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के पहले आपको यहां नागा पीस टॉक से जो रिलेटेड अभी हाल फिलहाल का न्यूज था उसके बारे में थोड़ा ऊपर से रिव्यू दे देता हूं आपको।
तो आपको मैंने पूरी चीज़ें समझा दी हैं कि किस तरीके से NSCN इशाक मुहावे और वहाँ पे जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो आउटफिट है, यह रेबल आउटफिट बेसिकली अपसेट है अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट से क्यों है, तो यहाँ पे जो 2015 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था सेंटर और इशाक मुहावे के बीच में, इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ने लगी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे यह बेसिकली चाहते हैं कि एक इंटरलोक्यूटर को यहाँ पे असाइन किया गया था, और वो कौन है, तो वो बेसिकली नागालैंड के ही गवर्नर है आर एन रवि, इन्हीं को सेंटर का इंटरलोक्यूटर के तौर पे यहाँ पे साइन किया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे 23 साल जो पुराना यहाँ पे पीस प्रोसेस है, इसके लिए यहाँ पे इनको बातचीत के लिए भेजा गया था 2019 में। अब यहाँ पे इनके द्वारा क्या हुआ कि इनके द्वारा यहाँ पे कुछ एक चीज़ें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे इशाक मुहावे कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि इनके फेवर में नहीं है, इशाक मुहावे के फेवर में नहीं है। कुछ एक वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है, जिस कारण से यह जो इशाक मुहावे के फैक्शन है, इन्होंने बोला है कि आर एन रवि जो इंटरलोक्यूटर हैं और गवर्नर हैं, इनको रिमूव कर दिया जाए, और इस कारण से यहाँ पे जो मतलब यह जो रेबल आउटपुट है यह अपसेट होके चल रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले सितंबर में जो डेडलाइन बेसिकली रीच होने वाला है, क्या उसमें यहाँ पे जो यह प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है इसका सॉल्यूशन निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। तो इस वाले आर्टिकल में बहुत सारा कुछ डिस्कशन किया है, पर हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अभी प्रेजेंट टाइम पर यह प्रॉब्लम इसलिए वापस से शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ के गवर्नर आर एन रवि को हटाने की बात कही जा रही है। ठीक है, और ये किनके द्वारा, तो इशाक मुहावे, ठीक है, NSCN इशाक मुहावे के द्वारा। अब प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, मुइवा है, ठीक है, अब मैंने जहाँ मुहावे बोल दिया वहाँ मुइवा समझ जाने की जगह आप, ठीक है, तो इशाक मुइवा है। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम को यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकी नागा मिलिटेंट साइन एक किया है इन्होंने पैक्ट, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और ये न्यूज़ में क्यों था, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिसेंटली पहली बारी ऐसा हुआ है कि नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स और यहाँ पे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया है जिसके बेसिस पे ये साथ मिलकर काम करेंगे और यहाँ पे नेगोशिएट करेंगे जो भी पॉलिसी सेटलमेंट्स बात करनी है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो उनके साथ यहाँ पे साथ मिलकर बातचीत करेंगे। पहले क्या होता था, तो पहले ये दोनों जो भी यहाँ पे फैक्शन वो बेसिकली अलग अलग होकर बात करते थे, तो अब यहां पे साथ मिलकर बातचीत होगी इनके द्वारा। ठीक है, तो यहां पे NNPG के बारे में बाद में यहां पे इन्होंने नोट्स के तौर पे दिया हुआ है और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी नोट्स में दिया हुआ है। तो हमारे लिए प्रिंस पर्सपेक्टिव से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कुकी ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। तो कुकी ट्राइब्स बेसिकली एथनिक ग्रुप्स हैं जिनका स्प्रेड अगर आप देखिएगा तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट बर्मा और चिटागोंग हिल ट्रैक्स में लाई करता है इन बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी आपको मैं मैप दिखा देता हूं ताकि आपको ये कुकी ट्राइब का जो स्प्रेड है आपको इसका आइडिया लग पाए। पर उसके पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रेजेंस है यह हर एक एरिया में प्रेजेंट है एक्सेप्ट यह नॉर्थ ईस्ट में, हर एक एरिया में प्रेजेंट है, हर एक स्टेट में प्रेजेंट है एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश का एरिया, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स क्या क्या हैं, तो फेस्टिवल्स आप देख सकते हैं चवांग कट और इसके अलावा चापचर कट, ठीक है, चापचर कट या कुट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। तो चवांग कट और यहाँ पे चापचर कुट, ये दोनों फेस्टिवल्स जो हो गए ये बेसिकली कुकी ट्राइब के हो गए। तो कुट से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, कुट से कुकी, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो और याद भी रख सकते हो। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनका स्प्रेड क्या है, तो एक बारी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो स्प्रेड है यह बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सारे स्टेट्स में है एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को भूल जाइए और बाकी जितने भी स्टेट्स आपको नॉर्थ ईस्ट के दिख रहे हैं यहाँ पे कुकी ट्राइब का प्रेजेंस है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार में भी प्रेजेंट है, तो नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार क्या हो जाएगा, इधर का एरिया, ऊपर की तरफ का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा चिटागोंग हिल ट्रैक, तो चिटागोंग हिल ट्रैक यहाँ पे लाई करता है, इस वाले एरिया में भी कुकी ट्राइब का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइब है वो है नागा ट्राइब। तो नागा ट्राइब बेसिकली बने हुए हैं वेरियस इंडिविजुअल्स और एथनिक ग्रुप्स के जो कि एसोसिएटेड हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और साथ के साथ नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार, ये एरियाज मैंने आपको ऑलरेडी अभी मैप पे दिखाई दिया है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सारे एरियाज में इनका नागा ट्राइब का प्रेजेंस बना हुआ है। ठीक है, अब जो प्रोमिनेंट नागा ट्राइब्स हैं वो कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं अंगामी, आओ, चखेशांग और इसके बाद कोयांग। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये सारे हो गए प्रोमिनेंट नागा ट्राइब्स। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये कई काफ़ी ज़्यादा ये जो नागा ट्राइब्स है बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, डिस्टिंक्टली फेमस है। क्यों फेमस हैं, क्योंकि ये इनके द्वारा एक रिचुअल प्रैक्टिस की जाती है जो कि हेड हंटिंग बोला जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नागालैंड में ट्राइबल वॉरियर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करता था पहले। ठीक है, हेड हंटिंग में क्या होता है, तो इसमें जो भी डेड एनिमीज होते हैं उनके हेड्स को ना कलेक्ट किया जाता है और उसको एज अ ट्रॉफी रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन बना के रखा हुआ है एकदम। ठीक है, तो जो लोग रिलेट कर सकते हैं आप ऑब्वियसली सब इसको समझ सकते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ट्राइब। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हेड हंटिंग के बारे में कह रहा हूँ और रिलेट करके आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नागामैन की क्लोथिंग के बारे में भी बोला जा रहा है कि नागामैन की क्लोथिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है। तो कैसे, तो यह कॉनिकल रेड हेडगियर पहनते हैं और इसके अलावा यह जो कॉनिकल रेड हेडगियर
रेयर है, यह दो चीज़ों से डेकोरेटेड होता है, एक तो हो गया वाइल्ड बोर कैनाइन टीथ और दूसरा है वाइट ब्लैक हॉर्नबिल फेदर्स। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एक बारी वो दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ। तो हेड गियर को याद रखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइड्स में दिख रहा होगा ये वाइल्ड बोर कैनाइन टीथ्स हो गए, ठीक है, और इसके ऊपर में जो आपको हेड गियर दिख रहा है यह बेसिकली वाइट हॉर्नबिल फेदर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको वाइट ब्लैक हॉर्नबिल फेदर्स हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, तो ये आपको इमेज अगर आपके ध्यान में रहेगी तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अब इनके द्वारा भी कुछ एक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फेस्टिवल जो इनके द्वारा मनाया जाता है वह है सेक्रेनी मोत्सू। ठीक है, तो सेक्रेनी मोत्सू जिसको यहाँ पे मोत्सू मोंग भी बोला जाता है, और साथ के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, और ये नागा ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोगों ने किकू ट्राइब देख लिया और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे नागा ट्राइब भी देख लिया। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग NNPG और KNO के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, तो NNPG क्या है, तो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है, यह बेसिकली एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंतर्गत 7 नागा मिलिटेंट आउटपुट्स जो हैं वो एक तरह से अंतर्गत आ जाते हैं, इस ग्रुपिंग में आ जाते हैं। और इनका काम क्या है, तो आप देख सकते हैं यह बेसिकली सेंटर के साथ 2017 से बातचीत कर रहे हैं ताकि यहाँ पे इस एरिया में नागालैंड का जो एरिया है वो या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, अब यह जो ग्रुप है इन्होंने 2019 में अनाउंस किया था कि यह गवर्नमेंट इंडिया के साथ डील साइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आप देख सकते हैं हमारे गवर्नमेंट का कि यहाँ पे वो बेसिकली पीस डील को साइन करने के लिए तैयार इन्होंने करवा लिया है NNPG को। अब NNPG के अंतर्गत हम लोगों ने जैसा बोला कि ये अम्ब्रेला ट्राइब है, तो इसके अंदर कुछ एक आउटफिट्स आ जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं कौन से हैं। तो नाम खाली ये ध्यान में रखिएगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यूनिफिकेशन, NSCN रिफॉर्मेशन, NSCN खांगो, नागा नेशनल काउंसिल एंड टू ऑफ इट्स फैक्शंस। उसके अलावा भी टू ऑफ इट्स फैक्शंस हैं जो कि नागा नेशनल काउंसिल के हैं, और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें NNPG के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंतर्गत 7 नागा मिलिटेंट आउटफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह इनका एक ग्रुपिंग बोल लीजिए। इसके अलावा अब हमको यहाँ पे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखना होगा। तो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो अम्ब्रेला बॉडीज़ में से एक है जिसके अंतर्गत 17 कुकी मिलिटेंट आउटफिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पे कितने सारे आउटफिट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो भी मिलिटेंट वाले, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी देखिए कि यहाँ पे ये लोग भी मान गए हैं कि वो बात करेंगे, पीस टॉक्स करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब इनका डिमांड क्या है, तो इनका डिमांड थोड़ा डिफरेंट है। इनका डिमांड देखिए कि यह बेसिकली एक टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ कुकीलैंड चाहते हैं मणिपुर के अंतर्गत। ठीक है, मणिपुर में एक कुकीलैंड चाहते हैं ये। ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने देखा बोडोज क्या चाहते थे, बोडोलैंड चाहते थे असम में, अब कुकीलैंड चाहते हैं यहाँ पे मणिपुर में। और ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि NSCN जो इसाक मुइवा है और इसके अलावा जो खापलांग है, तो वो लोग क्या चाह रहे हैं, तो वो लोग ग्रेटर नागालैंड चाह रहे हैं। तो ये सब एरियाज में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एरिया के बेसिस पे और रीजनल के बेसिस पे यहाँ पे बाइफर्केशन की कोशिश की जा रही है। अब इश्यूज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो आखिरी यहाँ पे टॉपिक है वह है ऑपरेशन सनराइज़ 2। अब ऑपरेशन सनराइज़ मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑपरेशन सनराइज़ 1 दैट इज़ पहला जो फेज़ था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, और उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैप के बेसिस पर भी मैंने बताया हुआ है, तो वो वाला झटपट सीरीज़ में था, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन सनराइज़ 2 के बारे में बातचीत की जा रही है। तो यहाँ पे क्यों न्यूज़ में था, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑपरेशन सनराइज़ 2 में यहाँ पे इंडियन और म्यांमार आर्मीज़ ने मिलकर यहाँ पे बॉर्डरिंग एरियाज़ में यहाँ पे एक तरीके का ऑपरेशन चलाया है, और यह ऑपरेशन है बेसिकली जो भी वहाँ पे मिलिटेंट आउटफिट्स हैं बॉर्डरिंग एरियाज़ में उनको बस्ट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यही इसी चीज़ को यहाँ पे ऑपरेशन सनराइज़ 2 कहा जा रहा है, और इंडिया और म्यांमार जो है वो खुद एक साथ मिलकर कॉपरेट करके बॉर्डरिंग एरियाज़ में यहाँ पे आर्मीज़ के थ्रू इनको हटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑपरेशन सनराइज़ 2 के बारे में थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं। तो आपको मैंने जैसा बता दिया कि दोनों आर्मीज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ में, जिसके थ्रू वह जो भी मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उसके कैंप्स को बस्ट कर सकें। ठीक है, अब कौन से मिलिटेंट आउटफिट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर स्पेशली। तो कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कापलांग, ठीक है, तो ये NSCN कापलांग, जैसा मैंने आपको बता दिया कि इसाक मुइवा जो है वो मतलब बेसिकली बातचीत कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के साथ, पर यहाँ पे जो कापलांग वाला जो NSCN है यह वायलेंट मेजर्स को यूज़ कर रहे हैं और हमारे गवर्नमेंट के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। और इनका आप देख सकते हैं कि इनका लोकेशन बेसिकली इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर ही है। इसके अलावा उल्फा बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ठीक है, उल्फा 1 यहाँ पे आप बोल सकते हो या उल्फा आई बोल सकते हो, ये हो गया। फिर इसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है, वहाँ पे वो बोडोलैंड है और ये बोडोलैंड है, ये आप ध्यान में देखिएगा, थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो गए सारे मिलिटेंट आउटफिट्स जिसके अगेंस्ट यहाँ पे ऑपरेशन सनराइज़ जो है 2 चलाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फेज़ 1 के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट फेज़ जब ऑपरेशन सनराइज़ का आया था जो कि फरवरी 2019 में था, तो इसमें भी आप
देख सकते हैं कि इंडो म्यांमार बॉर्डर पे कंडक्ट किया गया था इसको, और यहाँ पे भी बहुत सारे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको बस्ट किया गया था, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे फेज था ऑपरेशन सनराइज का, वो भी सक्सेसफुल रहा फरवरी 2019 में, और इसके बाद यहाँ पे वापस से ऑपरेशन सनराइज 2 चलाया गया है इंडिया और म्यांमार के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि आखिर यहाँ पे कौन सी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस मैप में आप यहाँ पे जो ऑरेंज वाला एरिया देख रहे हैं इसी में यहाँ जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और यहाँ पे इसीलिए ऑपरेशन सनराइज वगैरह चलाया जा रहा है जिससे इस एरिया में जो यहाँ पे मिलिटेंट आउटफिट्स का जो प्रेजेंस है वो जो भी कैंप्स है उनका उसको बस्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो इस मैप में आपको थोड़ा ऑरेंज वाला पार्ट जो है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और अब इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी इश्यूज़ था रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हमारा फोकस यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन आखिर है क्या, तो इसको हमें देखना होगा। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ में यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे बोला कि इंडिया का जो यहाँ पे जो नो फर्स्ट यूज़ का पॉलिसी है इससे रिलेटेड जो भी राइट रिजर्व करता है उसको हो सकता है कि वो आने वाले समय में फ्यूचर सर्कमस्टांसेस में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को यहां पे चेंज कर सकता है, ठीक है। तो एक यहां पे मतलब बताया जा रहा है कि हम लोग यहां पे जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम लोग बहुत टाइम से यहां पे ये जो प्लेज है इसको मेंटेन करके चल रहे हैं इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, और इसका राइट जो है हमारे पास है, इंडिया के पास ये राइट जो है रिजर्व करके रखा हुआ है। तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। तो अब हमें नो फर्स्ट यूज के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी है इंडिया का, तो वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा 8 मिनट 10 मिनट का, तो उसमें आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सभी चीज़ मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड देख लेते हैं, सीधा फोकस यहाँ पे नो फर्स्ट यूज़ के ऊपर में ही है। तो नो फर्स्ट यूज़ बेसिकली एक प्लेज की तरह है, ठीक है। प्लेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेज को हिंदी में संकल्प बोल सकते हो या शपथ बोल सकते हो। तो यहाँ पे यह शपथ की तरह ही है, और यहाँ पे हमारी कंट्री ने यह एक तरीके से नो फर्स्ट यूज़ का यह प्लेज लिया था जिसमें यहाँ पे इनका कहना था कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन को तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक राइवल नेशन जो है वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल न कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बोला गया है कि पहला एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी कंट्री के द्वारा कि वो न्यूक्लियर वेपन किसी और कंट्री के ऊपर में वॉरफेयर में चलाए। यहाँ पे वही है कि यहाँ पे तभी चलाया जाएगा जब सामने वाला कंट्री जो है वो चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को नो फर्स्ट यूज़ के बारे में यही एक प्लेज है, यही एक संकल्प है जो इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था, तो यह जब पोखरण 2 टेस्ट हुआ था 1998 में, तब इसको यहां पे इस प्लेज को इन्होंने लिया था, ठीक है। अब यहां पे इसको इसलिए लिया था ताकि वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि हमने जो यह नया आर्सनल एक तरीके से एक्वायर कर लिया है, न्यूक्लियर वेपन जो है एक्वायर किया है और टेस्ट जो है हमारा सक्सेसफुल हुआ है, इसको हम लोग डेटरेंट की तरह यूज करेंगे, ना कि हम लोग एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ वेपन की तरह यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे पोखरण 2 जो टेस्ट हुआ 1998 में, इसका एक अलग से नाम है, तो ठीक है। तो इसका आप मुझे नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है और इसके ऊपर एक मूवी भी ऑलरेडी बन चुकी है पोखरण, ठीक है। तो आपने मेरे ख्याल से वो मूवी देखी होगी, काफी अच्छी मूवी है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको नो फर्स्ट यूज़ का प्लेज समझ में आ गया होगा, और इंडिया ने कब अडॉप्ट किया ये भी आपको समझ में आया होगा, और इंडिया अभी भी यहाँ पे बोलता है कि एज अ डेटरेंट ही यूज़ होगा, पर यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अब इस पॉलिसी में चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब डेटरेंट की तरह आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हो ना, तो दूसरे कंट्रीज जो है वो एक तरीके से चढ़ जाते हैं, वो बोलेंगे कि हाँ अगर आप बचाव के लिए इस्तेमाल करो तब तो हम तो छोड़ेंगे ही पक्का से, ठीक है। तो इस तरह का उनके अंदर मोटिव आ जाता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रांग अप्रोच दिखाया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा या फिर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिन्होंने यहाँ पे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को एक तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अदर कंट्रीज़ में सबसे पहले चाइना ने यहाँ पे पास किया था एक रिजोल्यूशन, और यहाँ पे इन्होंने नो फर्स्ट यूज़ के बारे में बोला है, ठीक है। तो चाइना के पास यहाँ पर नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी वो उन्होंने रिजोल्यूशन तो लिखा हुआ है, पर वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। यूएसए ने कभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया कि उनका कोई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, तो यूएसए के पास कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी। इसके बाद अब सोवियत यूनियन का देखते हैं। तो सोवियत यूनियन का केस जो है थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। 1982 में इन्होंने सोवियत यूनियन ने प्लेज किया था कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेंगे, पर 1993 में आफ्टर डिसइंटीग्रेशन आप देख सकते हैं रशिया ने बोला कि हम मानेंगे ही नहीं ये बात, ठीक है। तो ये जो स्टांस है इससे ये डू अवे कर गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मानते थे फिर बाद में नहीं मानते थे। अब पाकिस्तान का आप जानते हैं, पाकिस्तान तो इस कमिटमेंट को मानेगा ही नहीं, क्यों ही मानेगा। तो पहली बात तो उनके पास है या नहीं है वो भी तो एक बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा टॉपिक है दैट इज़ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तक, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अब साइबर सिक्योरिटी से जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और यहाँ पे वही है कि दो और वीडियोज़ आएंगे और फिर आपका ये जो पार्ट है, आपका जो मतलब सिक्योरिटी वाला पार्ट है, ये भी खत्म हो जाएगा।
तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टिप्स फॉर यूपीएससी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, साथ के साथ आशीष अमन ऑफिशियल और अभिनव सिंह ऑफिशियल जो चैनल्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये पर्सनल चैनल्स हैं, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें सेग्रीगेटेड मिल जाएंगी, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब दो और वीडियोज़ इसके आ गए और एक आपका मिसलेनियस का वीडियो आएगा, तीन वीडियोज़ में आपका आईआर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।